कहां पर हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। हैदराबाद में बीच सड़क पर हिंदू मुस्लिम किसने किया। लातेहार में नक्सलियों से भीषण जंग में डिप्टी कमांडेंट कैसे शहीद हुए। और दिल्ली में इस बार भी बिना पटाखों के कैसे मनाई जाएगी दीपावली। प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। कल शाम गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे 9 पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगते ही उसमें सवार 4 लोग फौरन कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। हाईवे पर आग लगने से काफी देर तक जाम भी लगा रहा। कहा जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हैदराबाद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि स्कूटी पर सवार एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की को कुछ मुस्लिम लड़कों ने बीच सड़क पर रोक कर मारपीट की। वीडियो बनाने वाला शख्स लड़की के घर वालों को बताने को कहता है। लड़की अपने साथी को बचाने के लिए गुहार लगाती नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में मारपीट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। झारखंड के लातेहार के नवागढ़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। मुठभेड़ में घायल हुए राजेश कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीआरपीएफ के मुताबिक मौके से एक नक्सली का शव और 7 हथियार भी मिले हैं। लातेहार में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। किसानों के आंदोलन के दौरान इसी साल जनवरी में दिल्ली में लाल किले पर धर्म विशेष का झंडा फहराने वाले पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया के जरिए वीडियो जारी कर दीप सिद्धू ने लोगों से समर्थन देने की अपील की है। आज चंडीगढ़ में दीप अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। दीप सिद्धू को लाल किला के हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के पेपर लीक होने के मामले में गहलोत सरकार ने 20 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें 3 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। 26 सितंबर को ही रीट की परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले हंगामा भी किया था। इस परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली में इस बार बिना पटाखों की दिवाली मनाई जाएगी। केजरीवाल सरकार ने 1 जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखा जलाने और बेचने पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 15 सितंबर को ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। रोक के पीछे कोरोना के खतरे के साथ सर्दियों में प्रदूषण के बढ़ने की वजह भी बताई गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस और 20,000 के इनामी बदमाश सिक्की पटेल के बीच मुठभेड़ में सिक्की पटेल घायल होने के बाद पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान जब पुलिस की टीम ने सिक्की पटेल को रोकने का इशारा किया तो वो मौके से भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने के बाद बदमाश पकड़ा गया। सिक्की पटेल की तलाश कई मामलों में थी। मुंबई के साकीनाका रेप मर्डर केस में पुलिस ने 350 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। साकीनाका इलाके में 9 और 10 सितंबर की रात को 45 साल के शख्स ने एक 30 साल की महिला का रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सीएम उद्धव ठाकरे ने 20 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।